हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक या शिव स्मारक के नाम से आप इस स्टैचू को जानते होंगे, जो कि बनने वाला था या कहें बनने वाला है महाराष्ट्र में, लेकिन बहुत टाइम इस प्रोजेक्ट को हो गया है, क्या चल रहा है कुछ पता भी नहीं चलता। इसलिए आज यही करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या और इस वक्त प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल या ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक है, ये डेडिकेट करके बनाया जा रहा है हमारे डैशिंग किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। इनको ही मराठा एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। ये स्टैचू अरेबियन सी में महाराष्ट्र में मुंबई के कोस्ट के नजदीक बनाया जाना है और 24 दिसंबर 2016 को ही एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्टैचू के फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी के लिए अलग अलग नदियों का पानी और शिवाजी महाराज के फोर्ट यानी किलों से हुई मिट्टी से इसका फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी कंप्लीट कर दी गई थी। यानी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत पहले हो गई है, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट अभी तक अटका हुआ है। तो आखिर इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या? इस प्रोजेक्ट में हम शुरुआत से जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में जैसे ही इसकी शुरुआत हुई तो आखिरकार क्या क्या दिक्कतें आने लगी थी। लेकिन उससे पहले आपको मुझे ये बताना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्टैचू नहीं है। इस प्रोजेक्ट में शिवाजी महाराज का स्टैचू तो होगा लगभग 1.5 यानी 5 किलोमीटर की दूरी में आइलैंड पे, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के अलावा एक सेंट्रल बिल्डिंग, एक मेमोरियल गार्डन, एक लाइब्रेरी, फूड कोर्ट और कन्वेंशन सेंटर, वो भी छोटा मोटा नहीं, एक बारी में 10,000 लोगों के लिए जगह हो ऐसा कन्वेंशन सेंटर, उसके अलावा म्यूजियम, एग्जीबिशन गैलरी, एम्पी थिएटर और हॉस्पिटल भी प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसके अलावा मेमोरियल में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले थे उनका रेप्लिका भी बनाया जाएगा। यानी प्रोजेक्ट समुद्र में बनाया जा रहा है उस हिसाब से अच्छा खासा बड़ा है। तो ये तो बात हुई प्रोजेक्ट की कि आखिरकार प्रोजेक्ट है कैसा, आपको एक आइडिया लग गया होगा इस चीज से, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट में क्या हुआ है? तो प्रोजेक्ट में एक्चुअली शुरुआत में ही कुछ पेपर वर्क में डिले हो गया था। ये उसी समय की बात थी जब प्रोजेक्ट शुरू ही हो रहा था। फाइनली 2016 में इगीज इंडिया को इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चुना गया। ये फ्रांस बेस्ड एक कंपनी है। उसके 2 साल बाद यानी 2018 में दो बड़े काम हुए इस प्रोजेक्ट में। पहला, 1 मार्च 2018 को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर दिया गया कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म लार्सन और टुबरे को, ताकि वो लोग इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सके। तो ये तो अच्छी बात थी, लेकिन उसी साल के अंत में एक न्यूज आती है कि एक स्पीड बोट जो कि 25 लोगों को लेकर शिव स्मारक तक जा रही थी एक सेरेमनी करने के लिए, वो बोट एक अंडरग्राउंड रॉक से टकरा कर पलट जाती है और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और दो लोग ठीक ठाक सीरियस लेवल पे घायल हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वो 20 साल का ही था और बाद में इंडियन नेवी को उसकी बॉडी को रिकवर करना पड़ता है और इस चीज ने एक्चुअली मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और क्वेश्चन ये उठा कि क्या मानसून के टाइम पे जब बहुत बारिश हो रही हो तो क्या ऐसे में शिव स्मारक तक जाना लोगों के लिए सेफ रहेगा? आखिरकार ये प्रोजेक्ट समुद्र के ऊपर बन रहा है तो क्या ये लिटरली सेफ है? यानी इस घटना ने एक तरह से सेफ्टी के ऊपर सवाल उठाए इस प्रोजेक्ट के। खैर, बाद में बोला गया कि यह घटना पहली बार हुई है, दुनिया में इंडिया ही अकेला ऐसा देश नहीं है जो कि समुद्र के ऊपर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगा। आर्टिफिशियल आइलैंड्स दुनिया भर में है और प्रोजेक्ट में काम धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन उसके अगले साल आई एक और प्रॉब्लम और ये थी बेसिकली एनवायरमेंट और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड। इसका नाम है कोली फिशिंग कम्युनिटी और एक्चुअली में इन्होंने 2017 में भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। क्यों? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक फिशिंग कम्युनिटी है और इनको ये डर था कि इनका जो फिशिंग का काम है, इनका रोज का गुजर बसर करवाता है, वो इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद बुरी तरह से इफेक्ट होगा। लेकिन इसके साथ ही 2019 में कंजर्वेटिव एक्शन ट्रस्ट, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए काम करती है, मतलब ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दिया कि ये ऐसे कैसे समुद्र के बीच में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उस समय के हमारे
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कॉल द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसके लिए नोटिस जारी किया गया कि इमीडिएट बेसिस पे काम को रुकवा दिया जाए, क्योंकि क्लेम यही किया गया था कि मरीन लाइफ पे इस प्रोजेक्ट का बहुत बुरा असर होगा, जो कोरल्स होते हैं उन पे इसका इफेक्ट होगा। खैर, प्रोजेक्ट पर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट बेसिस पे रोक लगा दी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी ही थी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को उसी वक्त बोल दिया कि काम को रोक दो। नाउ अब इस चीज में लफड़ा ये भी हुआ कि प्रोजेक्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर तो ऑलरेडी चुन रखा था, और इस तरह से प्रोजेक्ट पे रोक लगने से हमारे साथ साथ उनका भी नुकसान था। इसीलिए पिछले साल अगस्त में एक न्यूज आती है कि क्योंकि जनवरी 2019 से काम रुका हुआ था, तो पीडब्ल्यूडी प्रपोज करता है कि कंपनी को एक साल का एक्सटेंशन बिना किसी कॉस्ट एक्सेलरेशन के प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उससे पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 18 अक्टूबर 2021 को खत्म हो जाना था। तो इसका मतलब फिर ये बनता है कि प्रोजेक्ट को लेकर के गवर्नमेंट अभी भी काम करना चाहती है। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये सच है, क्योंकि उसी समय जो सोर्सेज वाली न्यूज होती है उसमें ये पता चला था कि जितनी भी चीजें कंजर्वेटिव एक्शन ट्रस्ट या ग्रुप ने कोर्ट के सामने उठाई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जिसको लेकर के प्रोजेक्ट को रोका गया था, इन सब को कंसिडर किया जाएगा वापस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने से पहले, ताकि आगे वापस से प्रोजेक्ट में कोई लफड़ा ना आए। आपको याद है मैंने अभी पीछे उस बोट के बारे में बताया था जो कि पलट गई थी स्मारक तक जाते हुए, तो उसके लिए भी सोचा गया है कि एक अंडर सी रेल लिंक बनाएंगे शिव स्मारक तक जाने के लिए। इसके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे फिर से वही है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या ये अंडर सी रेल लिंक बनाना आसान होगा, यानी क्या इससे सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट या इस तरह के ट्रस्ट क्लेम नहीं कर सकते कि ये रेल लिंक भी मरीन लाइफ या कोरल्स वगैरह के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। खैर, प्रोजेक्ट में अभी यही चीज है कि चीजें उलझी हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी गवर्नमेंट की मंशा नहीं है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना या कोई पॉलिटिकल खेल चल रहा है। एक्चुअली में इस वक्त सिचुएशन ही ऐसी बन गई है। विकिपीडिया पे भी अगर आप जाके चेक करोगे तो वहाँ आखिर में लिखा हुआ है कि जनवरी 2019 से पैंडेमिक की वजह से इस पे काम रुका हुआ है। वैसे पैंडेमिक नहीं, ये काम तो सुप्रीम कोर्ट ने ही रोका था, और जियो टेक्निकल सर्वे वगैरह उस वक्त चल रहा था इस प्रोजेक्ट में, और इसका जो कम्प्लीशन डेट है 18 अक्टूबर 2022 को एक्सटेंड करने का प्रपोज किया गया था पीडब्ल्यूडी द्वारा, वो भी इस वजह से क्योंकि पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। तो अक्टूबर 2022 तक ये बन जाएगा। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो बहुत मुश्किल है इसका बनना, तो फ्यूचर में कब तक बनेगा मैं श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकता। जब तक सारे प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट से नहीं उठती तब तक काम ही कंप्लीट नहीं होगा, तो प्रोजेक्ट बनेगा कैसे? एनवायरमेंटल इश्यूज और सेफ्टी इशू, वैसे मैं सेफ्टी इशू इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैसे है तो एनवायरमेंटल इशू भी नहीं। दुबई में भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, पाम जुमेरा, वर्ल्ड आइलैंड वगैरह, और वहां कभी ऐसा नोटिस नहीं किया गया कि मरीन लाइफ को कोई बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हो। इवन कई बार तो क्योंकि आइलैंड का बेस उन्हें मिल जाता है तो कोरल्स वगैरह के नंबर्स को वहां बढ़ते हुए ही देखा गया है। लेकिन यहां तो क्या ही करें, अब फैक्ट्री का गंदा पानी समुद्र में नदियों में डाल देते हैं तब मरीन लाइफ इफेक्ट नहीं होती है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में जरूर होती है। खैर, प्रोजेक्ट कब तक बनता है देखते हैं। एक काफी भव्य मूर्ति बनेगी ये हमारे डैशिंग किंग छत्रपति शिवाजी महाराज की, और देखना अब ये चीज इंटरेस्टिंग होगा फ्यूचर में कि कैसे गवर्नमेंट अब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है आगे। तो आपने अगर इसके बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।